प्रतापगढ़ में सर्दी के सितम से स्थानीय नागरिकों के अलावा सफर करने वाले यात्री भी परेशान हैं। वहीं पट्टी से इलाहाबाद जा रहे धर्मेंद्र पांडे का कहना है कि रास्ते में रुक रुक कर अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ऊपर से ठंड में अलाव ही जीवन जीने का साधन बन गया है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी अलाव दिखता है वह रुककर तापते हैं, फिर वाहन चलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कड़कती ठंड में मजबूरी में सफर करना पड़ रहा है। आपको इतनी ठंड लग गई कि आपको मजबूरन गाड़ी आपको रोकना पड़ा? इलाहाबाद जा रहे थे भैया। इलाहाबाद जा रहे थे, और आपके साथ में कौन है? ये हमारा भाई छोटा, ये भी आपके साथ में जा रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ रही है, आगे आपने क्या ठंड से बचने के लिए आप? फिर अलाव देखेंगे, कहीं तापते हुए निकल जाएंगे। तापते हुए निकल जाएंगे।